असलम स्टूडेंट्स नेम इज़ जना शौकत और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री की टीचर सो so, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कैलकुलेशन्स और उसका सेकेंड पार्ट विच इज़ मोल पार्टिकल कैलकुलेशन्स सो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी केमिकल कैलकुलेशंस और उन कैलकुलेशन्स में हमने डिस्कस किया है अभी तक मोल मैस कैलकुलेशन और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोल पार्टिकल कैलकुलेशन जी हाँ पार्टिकल कैलकुलेशन जब हम वर्ड यूज करेंगे पार्टिकल का तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी आ सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स भी आ सकते हैं और एज अ होल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में पूरे पूरे कंपाउंड भी आ सकते हैं अब इसके अलावा पार्टिकल्स में आपसे नंबर ऑफ आइन्स भी पूछे जा सकते हैं जी हाँ वी से फार्मूला यूनिट तो वो तो हुआ पूरे का पूरा जैसे सपोज एन ए सी एल है तो वो पूरा एक फार्मूला यूनिट है लेकिन अब उस फार्मूला यूनिट में कितने आइन्स हैं ये भी पार्टिकल कैलकुलेशन का पार्ट है और हम इस तरह के क्वेश्चंस भी अपने आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करने वाले हैं सो इन मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि अगर हमें कोई ये बता दे कि हमारे पास टोटल पार्टिकल्स कितने हैं तो हम ये बता सकते हैं कि उसके मोल्स कितने हैं जी हाँ देर इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड पार्टिकल्स अब वो रिलेशनशिप क्या है मैं आपको याद करा दूँ देर इज़ अ नंबर विच इज़ एवोगेड्रोस नंबर सो मोल उसको रिप्रेजेंट करता है यानी कि किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो हैं एवोगेड्रोस नंबर और उसकी वैल्यू है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री वो आइंस भी हो सकते हैं एटम्स भी हो सकते हैं फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं सो so, किसी भी चीज के एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एवोगेड्रोस नंबर अब अगर देखें कि हम मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में आखिर हमेशा अंदाजे तो नहीं लगाएंगे ना फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सो द फॉर्मूला सेज दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर यस मतलब जितने मोल्स हैं उनको एक साइड पे लिखें अगर आपको पार्टिकल्स का नंबर नहीं पता तो उसकी जगह अन फॉर्मूले को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं मीन्स पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोस नंबर आसान करने के लिए हम हमेशा अपने फॉर्मूले में एवोगेड्रोज की जगह या तो कैपिटल एन और साथ ए का साइन यूज कर सकते हैं विच इज एन ए दिस इज द साइन फॉर एवोगेड्रोज नंबर ये हमने पहले भी डिस्कस किया या फिर हम पूरे के पूरे एवोगेड्रोज नंबर को ही उसकी जगह लिख लें जी हाँ सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी अब अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मैस टू पार्टिकल कैलकुलेशन आए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन ना हो

इसमें वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लें या फिर देयर इज एन अदर ऑप्शन मीन्स वी कैन यूज अ रिलेशन फॉर्मूला इन विच वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस नंबर ऑफ मोल विद द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो उसके लिए हमारे पास एक थोड़ा सा बेग लेकिन एक न्यू फार्मूला आएगा जो कि आपकी बुक में तो शायद ना लिखा हो लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा So, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। इट्स अंडरस्टूड होगा उसी सब्सटेंस का जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में और मोलर मास भी होगा उसी सब्सटेंस का जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय एवो नंबर सो ये हुआ हमारा कंप्लीट फॉर्मूला जिसमें हम मोल मैस और पार्टिकल तीनों को ही डिस्कस कर रहे हैं यानी कि अगर हमें मैथ गिवन हो तो हम उससे डायरेक्टली पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर और अगर गिवन ना हो मगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो बजाय टू स्टेप्स में क्वेश्चन करने के यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट इन योर वैल्यू इन दिस फार्मूला अब इसी फॉर्मूले की फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सॉल्व करेंगे हमारी एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट सिक्स और एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट सेवन सो so, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इन दोनों फॉर्मूला को यूज करना और भी आसान लगने लगेगा तो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ सो स्टूडेंट्स इफ वी लुक एट नंबर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिक्स ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं विच आर नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स मतलब इस क्वेश्चन में हमें तीन अलग अलग तरह के फार्मूलाज भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट थ्री थिंग्स सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ एज वी नो दैट गिवन मास ऑफ वाटर इज सिक्स ग्राम्स सिंस ग्राम इज द यूनिट फॉर मैस सो दिस इज द गिवन मैस फॉर वॉटर सो गिवन मैस ऑफ वॉटर इज मगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका मोलर मास भी पता होना चाहिए वी कैन कैलकुलेट मोलर मास विद मैस हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स हाउ डू वी नो दिस बिकॉज इन वाटर फार्मूला इज एच टू ओ मतलब टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अटॉमिक मैस है वन सो मतलब हुआ टू एंड ऑक्सीजन का टॉमिक मैस है सिक्सटीन तो सिक्सटीन प्लस टू इज इक्वल टू एटीन अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस मतलब वाटर हमारे पास यहां वाटर यूज होगा डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें सो वी नो दैट नॉन मास ऑफ वॉटर इज सिक्स एंड मोलर मास फॉर वॉटर इज एटीन सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर इन सिक्स ग्राम्स ऑफ वॉटर वुड बी जीरो पॉइंट थ्री थ्री मोल्स ये तो हुए हमारे नंबर ऑफ मोल्स यानी कि हमने अपने एग्जाम्पल का एक पार्ट सॉल्व कर लिया है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोस नंबर अब आप कहेंगे ये कैसे मालूम बिकॉज वी नो दैट इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर एवगेड्रोस नंबर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवगेड्रोस नंबर और आई होप के एवेगेड्रोज नंबर तो आप सबको याद होंगे सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर वॉटर इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री एंड वैल्यू ऑफ एवेगेड्रोज नंबर इज सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई बाय टेन पावर ट्वेंटी थ्री दिस इज वैल्यू फॉर एवेगेड्रोज नंबर और अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर दिस मच ग्राम ऑफ वाटर तो हमारे पास आंसर आएगा वन पॉइंट नाइन एट इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री सो ये तो हुआ हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी यानी कि हमने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जी हाँ सिंस वाटर इज अ कंपाउंड मतलब इट इज मेड अप ऑफ मोर देन एटम्स अगर हम देखें वाटर के फॉर्मूला की तरफ तो वाटर का फॉर्मूला है एच टू ओ मतलब इसके अंदर टोटल टू प्लस वन यानी टोटल एटम्स हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं इन दिस मच ग्राम तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फिर हम कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई बाय थ्री बिकॉज इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देर आर थ्री एटम्स सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स वुड बी इक्वल टू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम वुड बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट नाइन एट टू टेन पावर ट्वेंटी थ्री मतलब हम अपनी इस वैल्यू को जो के है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर थ्री एटम्स हैं तो दिस मच मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे उसको फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगी और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट आर आंसर फाइव पॉइंट 94 multiplied by 10 power 23. So, we can say that in 6 grams of water, we have 0 0.33 mole. And in 6 grams of water, we have 1.98 into 10 power 23 number of molecules. And in 6 grams of water, we have 5.94 into 10 power 23 number of

सो so, उसके लिए पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वी डोंट हैव द गिवन मैथ इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमें मैथ गिवन था जिसको हम पुट करते थे अपने फॉर्मूले में इन दिस प्लेस ऑफ नोन मैथ ऑफ द सब्सटेंस लेकिन यहाँ हमारे पास पार्टिकल्स गिवन है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो इसमें मोल पार्टिकल कैलकुलेशन वाला फार्मूला पुट करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल क्या है अवेलेबल है नोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वो है थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री अब चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ और फॉर्मूला टू तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू वुड बी इक्वल टू चूंकि ये मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है सो नोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय उसका रेफरेंस जो कि है एवेगेड्रोस नंबर्स एवोगैड्रोज नंबर सिंपल सा सोल्यूशन है हमें बस वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूला में सो वी नो दैट नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और अब तक आपको एवोगेड्रोज नंबर तो अच्छी तरह याद होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री अब सिंपल मैथ्स के असूलों के मुताबिक इसको कैंसल आउट करेंगे एंड वेन वी विल डिवाइड दीज टू वैल्यूज़ सो हमारे पास हमारा आंसर आएगा जीरो सो so ये तो आए हमारे नंबर ऑफ मोल्स और हमारा पहला पार्ट सॉल्व है अब हमें फाइंड करना है इसका मास मास फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मोलर मास वाला फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अब चूंकि हमारे पास नॉन मास गिवन नहीं है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और साथ ही साथ चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है तो उसका मोलिकुलर मास भी हमें पता होगा यानी कि उसका मोलर मास भी हमें पता होगा तो हम सिंपल उस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी मैथ ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास की सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन तो मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास फोर्टी फोर सो बाई पुटिंग दी वैल्यूज इन द सेम वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स जीरो पॉइंट फाइव एंड मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्टी फोर सो नोन मैस ऑफ सब्सटेंस वुड बी ट्वेंटी टू ग्राम्स यानी के हमारे पास अगर दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हैं तो उसका मास 22 ग्राम्स होगा सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं कुछ केमिकल कैलकुलेशंस और मोर स्पेसिफिकली मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस और साथ ही साथ उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डील की है अपनी दो एग्जाम्पल्स भी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज